श्रीलंका की, श्रीलंका में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन श्रीलंका के इस प्रदर्शन में तालिबानी याद आ रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। तो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका एक बार फिर से जल रहा है। शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास में घुसे हैं और उस पर कब्जा कर लिया। लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्थिति बिगड़ती देख कुछ ही देर में राजपक्षे पद से छोड़ने को तैयार भी हो गए और फिलहाल वो फरार भी बताया जा रहा है, गायब है, कुछ पता नहीं है। 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी शनिवार को इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिनका घर प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया था। इस बीच सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति आवास के भीतर के कई वीडियो वायरल होने लगे, जो प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। प्रदर्शनकारियों को श्रीलंका की सबसे प्रमुख इमारत में मौज मस्ती करते हुए देखा गया है। सबसे प्रमुख इमारत इसलिए कि यह राष्ट्रपति भवन है, जहां पर हमने कल तस्वीरें देखी थी कि लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। उन्माद में थे, गुस्सा था, आर्थिक संकट जिस तरह से श्रीलंका को घेरे हुए है, महंगाई जिस तरह से लगातार श्रीलंका को चारों तरफ से घेरे हुए, बेरोजगारी का आलम है, लोग परेशान होकर अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए सड़कों पर उतरे, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद भीतर से जो तस्वीरें निकल के सामने आई, ये इस आंदोलन पर, इस उग्रता पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। एक ये तस्वीर देखिए, जहां पर अंदर आराम से सोफे पर तमाम प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर ये स्विमिंग पूल, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर बना हुआ है, वहां पर स्विमिंग पूल में पूरी तरह से मौज मस्ती करते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आए। तो जो प्रदर्शनकारी बाहर गंभीर नजर आ रहे थे, अपने राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं गंभीरता नजर आ रही थी, चिंता नजर आ रही थी हालातों को लेकर, लेकिन जब वही राष्ट्रपति भवन के भीतर पहुंचे तो वो गंभीरता कहीं पीछे छूट गई और इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई। लोग स्विमिंग पूल में तैरते और जिम में एक्सरसाइज करते नजर आए। पिछले साल कुछ ऐसा ही नजारा अफगानिस्तान में भी देखने को मिला था। ये तस्वीरें देखिए कोलंबो की, ये जिम में तस्वीरें किस तरह से लोग जिम कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें। राष्ट्रपति भवन पर कल इन्होंने कब्जा जमा लिया था, राष्ट्रपति को यहां से फरार होना पड़ा, बाद में इस्तीफा दिया। और ये तस्वीरें देखिए, ये भी है अफगानिस्तान की तस्वीरें। अफगानिस्तान में दरअसल इसी तरह की नजारे देखने को मिले थे जब अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। तालिबानी लड़ाके बंदूक लेकर गवर्नर हाउस, प्रेसिडेंट पैलेस जैसी प्रमुख इमारतों में घुस गए थे और मौज मस्ती करने लगे थे। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में तालिबानियों की को बच्चों के पार्क में झूला झूलते हुए नाचते गाते भी देखा गया। तो जिन हाथों में बंदूकें होती थी उनके हाथों में खिलौने भी देखे गए। तो कुल मिलाकर ये नजारा जब तालिबान में देखने को मिला था, कमोबेश वैसा ही नजारा श्रीलंका में भी देखने को मिला। हालांकि दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। ये देखो तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों की। गंभीर स्थिति इसलिए कि श्रीलंका में जबरदस्त तरीके से आर्थिक संकट से इस वक्त देश गुजर रहा है। लोगों के पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। लोगों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब सड़कों पर उतरकर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। लेकिन वही गंभीरता राष्ट्रपति भवन के भीतर प्रदर्शनकारियों की देखने को नहीं मिली जब तस्वीरें अंदर से इस तरह की सामने आई, जहां पर आराम से सोफे पर आराम फरमाते नजर आए। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल नजर आया तो तमाम प्रदर्शनकारी स्विमिंग पूल का आनंद लेने लगे, जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर अब ये जो तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, तो आंदोलन जब इस स्तर पर होता है, लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि एक नए निर्णायक दौर की तरफ श्रीलंका क्या बढ़ पाएगा। तो दूसरी तरफ जब तस्वीरें इस तरह की निकल के सामने आती हैं, तो क्या ये तस्वीरें, क्या ये रुख प्रदर्शनकारियों का उस आंदोलन की धार को कुंद नहीं करेगा, सवाल ये। दूसरी तरफ ये नजारा आप देखिए कंपैरिजन किस तरह से कि श्रीलंका और अफगानिस्तान में नजारे किस तरह से सामने आए। हालांकि तालिबानियों का अफगानिस्तान पर कब्जे करना अलग परिस्थितियां थी, श्रीलंका में आम जनता का हल्ला बोलना और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करना एक अलग मामले थे। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीरें भीतर से निकल के वही आए और यही वजह है कि श्रीलंका के इन प्रदर्शनकारियों की हरकतों के चलते तालिबानी याद आ गए। तो जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, इससे पहले महिंदा राजपक्षे ने भी इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद गोटाबाया राजपक्षे ने पद संभाला राष्ट्रपति का, उनके खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन हुआ, वो पहले फरार हुए फिर इस्तीफे का ऐलान कर दिया, 13 तारीख को इस्तीफा देने को तैयार हैं।
मुख्यमंत्री वहां के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे, उनके घर पर भी धावा बोल दिया गया, घर को फूंक दिया गया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब सर्वदलीय सरकार बनाने की स्थिति सामने आई, लेकिन प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। चलिए